पानीपत में पुलिस के चर्चित हेड कांस्टेबल आशीष उर्फ सिंगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंगम के गिरफ्तारी देने से पहले ही सेक्टर 13-17 की पुलिस उसके पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में पहुंच गई। उस वक्त सिंगम अर्धनग्न हालत में था, उसने वहीं से सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया, जिसको लेकर वहां खूब हंगामा हुआ। हेड कांस्टेबल के खिलाफ कुछ दिन पहले एसआई के साथ भी सड़क में बहस करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। सिंगम 5 दिन पहले ही गृह मंत्री अनिल विज के अम्बाला में लगे दरबार में पेश हुआ था। इसी बीच पुलिस ने सिंगम के खिलाफ 6 संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी। हालांकि सेक्टर 13-17 थाना में यह मुकदमा 2 फरवरी को दर्ज हुआ था, मगर यह मामला तूल ना पकड़े इसलिए पुलिस ने इस एफआईआर को ऑनलाइन नहीं किया। आशीष को भनक लगी तो उन्होंने अपने स्तर पर इस मुकदमे का पता लगाया। बुधवार रात को आशीष ने वीडियो जारी कर यह कहा कि गुरुवार को वह एसपी कार्यालय जाकर खुद गिरफ्तारी देगा। गौरतलब है कि बीती 2 फरवरी को रिश्वतखोरी के एक स्टिंग पर एएसआई के साथ हेड कांस्टेबल आशीष कुमार की हाथापाई हो गई थी। आशीष कुमार ने एक वीडियो जारी कर एएसआई पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाए थे। आशीष कुमार ने कहा कि ईमानदारी से काम करने पर उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।